नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार जी है ना जो भ्रष्टाचार पर और सांप्रदायिकता पे और अपराध पे कोई समझौता के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आज तो लगता है कि समझौता कर लिए हैं। सत्ता में बैठने के लिए नीतीश कुमार जी किसी किसी से भी समझौता कर सकते हैं। आज 23 जून है और पटना में देश के बड़े बड़े दिग्गज विपक्षी एकता के नाम पर बैठे थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलना चाहती है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी चिंता जाहिर की कि श्री राहुल गांधी जी का शादी नहीं हो रहा है, अब इनको शादी करना चाहिए। तमाम नेता अपना अपना पक्ष रख रहे थे और वो सारे पक्षों में बस एक ही बात था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे हटाया जाए। सत्ता पर बैठने की जल्दबाजी विपक्ष के नेताओं में बहुत ज्यादा दिखी। ये कोई एजेंडा रखने के लिए नहीं बैठे थे कि देश के सामने एक विकल्प रखा जाएगा कि आज महंगाई चरम पर है, हम आएंगे तो महंगाई को कम कर देंगे, हम आएंगे तो रोजगार को बढ़ावा देंगे, हम आएंगे तो देश चारों तरफ से सुरक्षित होगा। तो हम लोग तो पहले भी कह रहे थे कि विपक्ष के नेता जब पटना में जुटेंगे तो चाय नाश्ते से ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आएगा। हाँ, इसमें व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी की वावई हुई है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को पटना में वो जुटा लाए, लेकिन नीतीश कुमार जी का इसमें स्वार्थ दिख रहा था कि 45 विधायक होने के बावजूद देश के बड़े बड़े दिग्गज को वह मोदी जी के डर को दिखाकर कैसे अपने साथ साथ लेते आए हैं। कहा जा रहा है कि आगे भी एक बार लोग बैठेंगे और तब सीटें तय होंगी, जबकि यह असंभव है। आज भी देखने से लग रहा था इसमें तो केजरीवाल जी के लिए कुछ निकल कर नहीं आया। केजरीवाल जी अध्यादेश की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वाम दलों से और कांग्रेस से कैसे सीट शेयरिंग करेंगी। तो विपक्षी एकता असंभव चीज है, यह कभी होने वाली नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर हुई है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बगल में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे। लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत चिंता जाहिर की और चुटीले अंदाज में राहुल गांधी के शादी के विषय में कहा, यह भी एक देश के लिए समस्या है, इस जल्दी होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार जी है ना जो भ्रष्टाचार पर और सांप्रदायिकता पे और अपराध पे कोई समझौता के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आज तो लगता है कि समझौता कर लिए हैं। सत्ता में बैठने के लिए नीतीश कुमार जी किसी किसी से भी समझौता कर सकते हैं। तो विपक्षी एकता के नाम पर सिर्फ आईवॉश था और कुछ निकल कर नहीं आएगा। इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन को कितना विशाल और भव्य बनाया है। ये देख नहीं पा रहे हैं कि यूएस में माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरीके से अभिनंदन हो रहा है। अमेरिका के संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम कहा जा रहा है। देश आज कहां से और कहां चला गया है। तो लेकिन चूंकि इनको तो बस मोदी हटाना है, विपक्षी एकता एक दिवा स्वप्न है और यह कभी सफल नहीं होगी। ये पटना की बैठक सिर्फ पिकनिक स्पॉट बनकर रह गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।